अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नहीं हो सकता, बोल दिया बस। मुझे हर हाल में अपने बच्चों के लिए केयरटेकर चाहिए। दो दो बच्चे एक साथ में नहीं संभाल सकती। देखो, तुम इस दुनिया की पहली औरत नहीं हो जिसके जुड़वा बच्चे हुए। होते हैं औरतों के बच्चे, संभालती हैं वो। लेकिन मैं नहीं संभाल सकती, दो दो बच्चे हैं, दोनों का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। एक सोता है तो दूसरा उठ जाता है, एक को भूख लगता है तो दूसरे का डायपर चेंज करना पड़ता है, एक को खेलने तो एक को नींद आ जाती है। मेरी जिंदगी अजाब हो जाएगी, मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, देखो कुछ नया नहीं हो रहा, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आएगा। हर माँ अपनी जिंदगी में इन मराहल से गुजरती है क्या? हाँ, ये औरतें मिडिल क्लास फैमिली से होती, हमारा स्टेटस और है, हमारी क्लास और है, और जब तुम अफोर्ड कर सकती हो तो फिर प्रॉब्लम क्या? बात अफोर्ड करने की नहीं है यार। ओके, अम्मी और बाबा को अच्छा नहीं लगेगा कि बच्चों को कोई आया संभाले, वो उनकी तरबियत करे, तो समझने की कोशिश करो प्लीज। और हमारे खानदान में किसी ने खानदान 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 आपके माँ बाप को तो ये भी पसंद नहीं था कि इस घर में कोई कुक रखा जाए, लेकिन मैंने अपनी मनवा ली थी ना, तो आज भी मैं अपनी ही मनवाऊंगी। बता रही हूँ मैं, मुझे जोहेब की शादी से पहले इस घर में एक केयरटेकर चाहिए। शादी में इतने सारे काम होंगे, शॉपिंग करनी होगी, शादी में पार्टिसिपेट करना होगा, डांस करना होगा, कहाँ मैं उन दो बच्चों को उठा के घूमती रहूंगी? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। आई नो मसला हो रहा है, शुरू शुरू में है, दिक्कत होगी, बाद में नवीन है तुम्हारे साथ, जान छिड़कती है बच्चों। मुझे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। मुझे इस घर में एक केयर टेकर चाहिए, और वो भी जल्द ही, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, पढ़ी लिखी प्रोफेशनल, समझ गए ना आप? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।